देखो यार, आप कई तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका, पहले तो आप क्या करोगे, मेथड वन। देखो, सेलिंग प्राइस इज 13,750, प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो सीपी इंटू प्रॉफिट मल्टीप्लायर इज इक्वल, सेलिंग प्राइस होता है फॉर्मूला, इसका प्रॉफिट मल्टीप्लायर कितना होगा, 1 पॉइंट, तो सीपी इंटू 1.25 इज इक्वल सेलिंग प्राइस 13,750, राइट। तो सीपी कितनी आ जाएगी यहां से, 13,750 अपॉन, अच्छा अभी आप इसको मल्टीप्लाई ना करो। नाउ न्यू सेलिंग प्राइस, सीपी इंटू लॉस मल्टीप्लायर, ये तो करेंगे। सीपी कितनी, 13,750 अपॉन 1.25 इंटू लॉस मल्टीप्लायर कितना होगा, अब 0.88। देखो, दो डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, 13,750 इंटू 88 अपॉन 125, कौन सा ऑप्शन आएगा, अच्छा ठीक है, ऑप्शन गलत है इसमें, हाँ ठीक है, आंसर हो गया 9,680, सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है। हो गया, अच्छा इसका शॉर्टकट क्या होता है, नोट कर लिया, नोट करो, देखो इसका एक शॉर्टकट ये हो सकता है, अच्छा ये शॉर्टकट, शॉर्टकट नहीं, सोच पर है। देखो आप जानते हो सेलिंग प्राइस दी हुई आपको कितनी, 13,750 है ना, प्रॉफिट है 25, तो यहां से सीपी कितनी हो जाएगी, 13,750 अपॉन 1.25, डायरेक्ट लिखना है, इंटू 0.88 कर दो तो आपकी नई सेलिंग प्राइस आ जाएगी, बस ये करना है आपको, समझे भाई। पुरानी सेलिंग प्राइस में अगर आप प्रॉफिट मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी, सीपी आ जाएगी, और इस सीपी में नया लॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो नई सेलिंग प्राइस आ जाएगी, आपको डायरेक्ट करना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि ऑप्शन गलत थे तो हम ये भी कर सकते थे कि 88 11 का मल्टीपल होता है, फिर हम चेक करते कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, ये क्वेश्चन गलत था, इसलिए कोई भी नंबर 11 का मल्टीपल नहीं था, राइट। आगे बढ़े नेक्स्ट, अच्छा अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट लेस और मोर प्राइस, तो एक एग्जांपल देखते हैं, इफ ए स्कूटर इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 10% लॉस, सेलर वुड गेट 3,000 मोर, फाइंड न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कूटर। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन गड़बड़ दिए मैं, अच्छा हिंदी को सही मान के चलते हैं हम, ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ है। देखो यहां पर 10% है, यहां पर 20% है, पूरा क्वेश्चन गड़बड़, तो अब हिंदी से ही मांगे चल रहे हैं, ठीक है। इफ अ स्कूटर, ये 10% कर लो, ये 15% और ये 2000। अब देखो ध्यान देना, लॉजिकल है, शॉर्टकट होता है इन क्वेश्चंस का। देखो यार, फर्स्ट लॉस कितना है, 10%, एंड सेकेंड प्रॉफिट कितना है, 15%। अच्छा, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस कितना है, 2000। अच्छा अब आप एक बात समझना, लेट आपने मान ली सीपी इसकी एक्स, राइट, तो जो 10% लॉस हो रहा है उस हिसाब से सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस वन कितनी होगी, 0.9x है ना, और दूसरे केस में सेलिंग प्राइस टू क्या होगी, 1.15x। अच्छा अब आपको कितना कम मिल रहा है, इसका मतलब इनका इनका डिफरेंस होगा ना दो जाके बराबर, तो आप क्या करोगे, 1.15x माइनस 0.9x इज इक्वल 2000। ओके, अब इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0.25x इज इक्वल 2000, x वुड बी 2000
2000 अपॉन 25 इंटू 100 सॉल्व कर लोगे 8000, डी ऑप्शन। अच्छा अब इसका शॉर्टकट क्या है देखो, नोट करो पहले इतना। इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या चाहिए, ये रब कर रहा हूं पूरा। देखो यहां पर आपको जो पहली कंडीशन है वो 10% लॉस है, सेकंड कंडीशन पर बल्कि इसको यहां पर ऐसा करते हैं 15% प्रॉफिट कर लेते हैं, सारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ये 2000 हो गया, ठीक है भाई। अच्छा देखो आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये किस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। तो देखो एक बार लॉस दिया हुआ है आपको कितना 10%, और एक बार प्रॉफिट दिया हुआ है और यहां पर सीपी है, तो जब लॉस या प्रॉफिट होगा तो आप दोनों को ऐड कर लेंगे, 10 प्लस 15 कितना हुआ 25% ऑफ सीपी इज इक्वल डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, ये रूल याद रखना आप। अच्छा अगर दोनों तरफ लॉस लॉस या प्रॉफिट प्रॉफिट हो, माना दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार 25% प्रॉफिट हो रहा है, एक बार आपको 10% प्रॉफिट हो रहा है, मान लेते हैं क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए दोनों बार प्रॉफिट हो। अच्छा उस केस में मान लेते हैं इतना करने के बाद आपको 450 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो क्या करेंगे इनका डिफरेंस लेंगे इस बार हम, दोनों प्रॉफिट प्रॉफिट है, इनका डिफरेंस कितना हो गया 15%, 15% ऑफ सीपी बराबर 450 जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है। अगर लॉस प्रॉफिट हो जोड़ेंगे परसेंटेज, और अगर लॉस लॉस या प्रॉफिट प्रॉफिट हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे। डी ऑप्शन को आप 8000 कर लो। आगे बढ़े, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। रट लो या समझ लो, मैं समझा चुका हूं आपको, अब चाहो तो आप रट लो इन चीजों को। ओके सॉल्व करो इसको, देखो बोथ केस में प्रॉफिट हो रहा है इसको, 10% प्रॉफिट और 15% प्रॉफिट, सो 5% ऑफ सीपी इज इक्वल 200। आपको फॉर्मूला नहीं रखना, लॉजिक समझना है, दोनों केस में अगर प्रॉफिट होगा तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आएगा 5%, और वो 5% किसके बराबर है 200 के। देखो लॉजिक समझना, SP1 माइनस SP2 इज इक्वल 200, ये तो बोला हुआ है। अच्छा SP1 कितना होगा, सीपी प्लस 5% ऑफ सीपी, यही तो होगा, बल्कि 15%, और माइनस सीपी प्लस 10% ऑफ सीपी, बल्कि उसको 15% लिख देते 100 हटा के। तो देखो ये जब माइनस ओपन करेंगे तो सीपी कट जाएगा, ये बचेगा 15% ऑफ सीपी माइनस 10% ऑफ सीपी इज इक्वल 200, 15% माइनस 10% 5% ऑफ सीपी। आपको मैं यही सिखा रहा हूं, आपको डायरेक्ट इस लेवल पे आना है, इस लाइन पर आना है, ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है। अगर दोनों केस में प्रॉफिट हो तो भी यही होगा, दोनों केस में लॉस हो तो भी आपको सब्ट्रैक्ट करके करना है। ओके आंसर कितना आ जाएगा 4000। आगे बढ़े, देखो व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर सोल्ड एट सेम सेलिंग प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो यार अब एक पॉइंट समझना आप लोग, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इक्वल देन ओवरऑल लॉस परसेंटेज एक्स स्क्वायर बाय 100, ठीक है। अच्छा अब जब व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आर नॉट सेम, अभी एग्जाम्पल कहूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। तो इसका फॉर्मूला है सीपी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपॉन सीपी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल 100 प्लस माइनस लॉस ऑफ प्रॉफिट। देखो अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे, लॉस होगा तो माइनस लेंगे, और नीचे 100 प्लस माइनस लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसका हिंदी वर्जन, ठीक है। नोट करो फिर मैं इसको लॉजिकल समझाऊंगा, फॉर्मूले से अच्छा है मैं आपको कॉन्सेप्चुअल समझा दूंगा इन चीजों को।
इस फॉर्मूले ध्यान रखना, ऊपर हमेशा क्या आएगा, अगर यहां पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट का नीचे आएगा प्रॉफिट लॉस जो भी हो, नीचे की तरफ आएगा। सेकंड अगर नीचे तो इधर ऊपर आ गया। देखो ये फॉर्मूला मत रटना, मैं आपको लॉजिकल समझाऊंगा, इस टॉपिक बहुत आसान सी बात हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो यार, जो आपको मैंने कौन सा पढ़ाया उसका मतलब था, व्हेन टू ऑब्जेक्ट सोल्ड एट सेम सेलिंग प्राइस, लेट टेक एन एग्जांपल, टू चेयर्स आर सोल्ड एट 2000 ईच ऑन वन प्रॉफिट ऑफ 10% एंड ऑन अंडर लॉस ऑफ 10% taken. फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं उसमें अगर सेलिंग प्राइस सेम होगी, ठीक है, देखो इस केस में दोनों चेयर्स की सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर आपको 10% प्रॉफिट हो रहा है एंड दूसरे पर आपको 10% लॉस हो रहा है, तो इस दीज केस ओवरऑल प्रॉफिट ओवरऑल लॉस होता है हमेशा, एंड ओवरऑल लॉस गिवन बाई एक्स स्क्वायर बाई 100, जहां पर कि एक्स क्या है, ये जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है, राइट, दिस एक्स इज 10, सो 100 बाई 100 और 1%, सो इन दिस केस 1% लॉस होगा, समझे भाई। अच्छा इसको नोट करो, फिर एक दूसरा एग्जांपल कराता हूं। हो गया, जो मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस किया था, इन दैट फॉर्मूला वी हैव टू यूज सीपी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन अगर सीपी नहीं दी होगी तो कैसे निकालेंगे ओवरऑल, ठीक है। तो एक और चीज करा रहा हूं, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर सेम, वैल्यू नहीं गिवन है, ऑन वन पर्सन gets a profit of 10% and on another he get a loss of 20%. Find overall loss or profit. बताओ। देखो कितना, ओके सब लोग गलत है, सॉल्व करो, मैं इसको पूरा लॉजिकल, ये टाइम लगेगा आधा घंटा कम से कम इस पॉइंट पर, और अभी आप समझ में, हाँ गलत कर रहे थे, सब क्वेश्चन समझ में आया क्या था। क्वेश्चन इज दिस, एक ऑब्जेक्ट पर आपने दोनों ऑब्जेक्ट सेम कॉस्ट पर सेम प्राइस पे बेच दिया, एक पर आपको 10% प्रॉफिट हुआ, एक पर आपको 20% लॉस हुआ, है ना, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। देखो भाई वैसे तो कंफर्म है लॉस ही होना है, क्योंकि अच्छा देखो, अरे बहुत सारे ऑप्शन आ गए यार, 8% लॉस बी, 12% लॉस, और कोई बोलेगा 6% बोला था कोई, 6% लॉस, एंड एनी अदर आंसर, 2% लॉस, और कोई आंसर, 8.8% लॉस, 12 तो लिखा हुआ है। अच्छा एक खुशी की खबर, ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना, थोड़ा लॉजिकल है। अच्छा हाँ, अच्छा एक ऑप्शन और आ गया 15 पॉइंट, ये भी इसी कैटेगरी में आ गया। अभी चलो मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान देना। देखो यार पता है जिस जिसने 8% दिया उसने पता क्या लगाया, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, क्यों भाई ये तो क्यों, ये मेथड यहां नहीं चलता है। अच्छा जरा एक एग्जांपल लेते हैं, एक सोच डेवलप करते हैं।
देखो यार, सेलिंग प्राइस ऑफ वन एंड टू, प्रॉफिट और लॉस, इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है पहले वाले पर 10%, दूसरे पे लॉस कितना है? अच्छा, मल्टीप्लायर क्या होंगे इसके? 1.1 और 0.8। अच्छा, मान लेते हैं सेलिंग प्राइस पहले ऑब्जेक्ट की है, अच्छा दोनों ही सेम होने चाहिए, 88 रुपए मान ले दोनों की। बताऊंगा 88 कैसे मानते हैं, 88 का तरीका ये होता है, देखो 1.1 और 0.8 में से डेसिमल हटा लो, बचा क्या 11 और 8, इनका ले लो एलसीएम, 88 हमारी होगी सेलिंग प्राइस। अब हम निकालेंगे सीपी, ध्यान देना, 88 अपॉन 1.1 और यहां पर 88 अपॉन 0.8, अरे समझे भाई, तो सीपी कितनी आ गई 80 रुपए यहां पर, और यहां पर कितनी आ गई 110, समझे। अच्छा अब देखो भाई, टोटल टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 88 प्लस 88 176, अरे समझे, और टोटल सीपी कितनी हो गई 190, क्लियर। इसका मतलब 190 का ऑब्जेक्ट कितने बेचा गया 176 में, लॉस कितना हो रहा है 14 रुपीज का, एंड लॉस परसेंट इज इक्वल 14 अपॉन 190 इनटू 100, तो गया 140 अपॉन 19%, ये आंसर होगा। अच्छा आप लोग एक चीज ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, देखो अगर सेलिंग, पहली बात तो सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए, ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर लॉस हो रहा है एक पर प्रॉफिट हो रहा है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का वैल्यूज इक्वल है, इन दैट केस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर प्रॉफिट लॉस अलग अलग हो, आप आराम से बैठना, यही आंसर आएगा, लॉजिकल है ये पॉइंट, ठीक है। सेलिंग प्राइस सेम है, मैंने जानबूझ के 88 मानी, ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि आपका आगे आसान हो जाए, आई बात समझ में आई। देखो 11 और 8 का एलसीएम, जो मल्टीप्लायर आए हैं प्रॉफिट और लॉस मल्टीप्लायर, उनका एलसीएम देना पड़ता है। आप लोग ये नोट करो, क्वेश्चन 13 करके दिखाओ शीट का, 13 सेम क्वेश्चन है, देते कितने लोग कर पाते, जल्दी करो 13 क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन में देखो आपको कैसे अप्रोच करनी चाहिए, देखो इफ सेलिंग प्राइस ऑफ टू फैंस आर सेम एंड इफ वन ऑफ देम इज सोल्ड फॉर 10% लॉस, देखो एक 10% लॉस पे सेल किया गया है और एक 20% प्रॉफिट पर, राइट आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लायर होगा 0.9, इसका मल्टीप्लायर 1.2, 9 और 12 का एलसीएम होगा 108, तो सेलिंग प्राइस मान ली 108, राइट, तो सीपी क्या होगी 108 अपॉन 0.9 एंड 108 अपॉन 1.2, इस केस में सीपी आ जाएगी कितनी 120 और इस केस में 90, तो टोटल सीपी कितनी हो गई 210 और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 216, तो 6 रुपए का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जाएगा कितना 2 और 7, 20/7 और 2 होल 6/7 आंसर, क्लियर है। तो इससे करा जाता है अगर आपके पास सेलिंग प्राइस सेम हो, डिफरेंट प्रॉफिट और लॉस हो रहा हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करो इसको। फोर परसेंट लॉस एक्स स्क्वायर बाय 100 करना पड़ेगा। ओके सॉल्व दिस, अब देखो यहां पर आपको ओवरऑल की जगह सीपी पूछी हुई है, देखो मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था,
सीपी ऑफ वन अपॉन सीपी ऑफ टू इज इक्वल 100 प्लस माइनस लॉस और प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेकेंड. याद है फॉर्मूला ये? अपॉन 100 प्लस माइनस लॉस और प्रॉफिट परसेंट ऑन फर्स्ट. ये तो बताया था. अच्छा, या तो वैल्यू पुट कर दो. एक तरीका और समझो, ध्यान देना. एक लॉजिकल है, अगर आप फॉर्मूला भूल जाओगे तो क्या करना है. सेलिंग प्राइस ऑफ वन इज इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ टू, यही तो बोला गया. क्या बोला है? रचना सोल्ड टू कंप्यूटर एट सेम सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन इज इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ टू. अच्छा मान लेते हैं, अच्छा पहले कंप्यूटर की सीपी क्या है? सीपी ऑफ वन अपॉन लॉस मल्टीप्लायर. अरे समझे, तभी तो सेलिंग प्राइस आएगी. सॉरी, सीपी ऑफ वन इंटू लॉस मल्टीप्लायर बराबर सीपी ऑफ टू इंटू प्रॉफिट मल्टीप्लायर. समझे भाई? अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते तो ये करना. सीपी ऑफ वन दे रखा है 1750, लॉस मल्टीप्लायर 0.8 इज इक्वल सीपी ऑफ टू पूछा है, इसका प्रॉफिट मल्टीप्लायर 1.25. सीपी ऑफ टू आ जाएगी यहां से 17500 इंटू 0.8 अपॉन 1.25. करेंगे इससे भी वही आएगा, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा. इसमें आपको केवल कॉन्सेप्चुअल तैयार रखना है अपने आपको. समझे? अच्छा अब एक और चीज समझो, इसको पूरा सॉल्व करने से अच्छा क्या है. देखो 175 होता है 25 इंटू 7, नीचे 7 कटेगा नहीं, 7 आना चाहिए आंसर में. पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन हो सकता है, है ना? ये ऑप्शन हो सकता है और ये नहीं हो सकता. दो ऑप्शन बचे मेरे पास, 11200 और 10500. अब कर लोगे? कुछ ना कुछ चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी आपको. केवल आंसर बी होगा क्योंकि आखिरी में 8 भी है, 8 के लिए मुझे 2 चाहिए आखिरी में, तो यही आंसर हो सकता है ना? हो गया? अच्छा अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सोल्ड एंड परचेज आर डिफरेंट. देखो यार ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में. एक एग्जांपल लेते हैं. देखो आपके रियल लाइफ क्वेश्चन बता रहा हूं. माना आप खीरे बेचते हो, ठीक है? आप खीरे बेचने गए तो आप क्या करते हो? आप दुकान पे जब जाते हो मंडी में, तो मंडी वाला बोलता है कि भाई खीरे मिलेंगे आपको 10 के 3, और आप बेचोगे कितने? 10 के 2. तो फायदा होगा, आपने खरीदा बेचा अलग अलग क्वांटिटी. अच्छा जैसे क्वेश्चन आता है अन ऑब्जेक्ट परचेज, या ऐसा हो सकता है कुछ पेन खरीदे आपने ₹5 के 3 एंड सोल्ड ₹3 के 5. प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? ना, लॉस हो रहा है भाई. पैसा भी कम ले रहे हो, पेन ज्यादा दे रहे हो, लॉस हो रहा है. देखो यहां पर इस टॉपिक में आपके अपने दिल से बातें आएंगी, और अगर नहीं आती दिल से बातें तो खीरे का ठेला लगा लो, नींबू का ठेला लगा लो, सब क्लियर हो जाएगा. नींबू के 10 के 4 खरीदोगे, 10 के 3 बेचोगे, पता लगेगा फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है. कहोगे यार ला तो 4 रहा हूं, बेच रहा हूं, 3 तो कम में बेच रहा हूं ना. जब क्वांटिटी कम करते हो तो फायदा होता है, ठीक है? तो अब आप एक बात समझो, अगर मैं कहता हूं एक दुकान पर आप गए कि भाई आप, माना आपकी दुकान है, आपकी स्टेशनरी शॉप है, आप गए थोक बाजार में मार्केट में माल खरीदने, तो बोला पेन मिलेगा ₹5 के 3, तो आप क्या एक पेन लोगे? नहीं लोगे ना. अगर आपकी दुकान है तो आप 3 के मल्टीपल में लोगे, बोलोगे 90 पेन दे दो या 60 दे दो, 50 थोड़ी मांगोगे, क्योंकि उसने बोला है ₹5 के 3 पेन मिलेंगे. इसका मतलब पेन के मल्टीपल में लोगे आप, 3, 6, 9, 12 इस तरह लोगे. 10 पेन तो नहीं मांगोगे ना. वो कहेगा भाई क्या चुरकुटी कर रहा है. दुकानदार बोलेगा भाई क्या ढंग से खरीद, मैं कहां से 58 गिनता भी लूंगा. तो समझे बात ये? तो जब भी इस तरह का जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट, तो लॉजिक क्या होता है बताने जा रहा हूं. देखो भाई एक क्वेश्चन लेते हैं. ललिता परचेजेस 15 पेन फॉर ₹10. अभी नोट ना को सुनो, पहले बात शॉर्टकट है, लॉजिकल है. 15 पेन खरीदती है वो रुपीज कितने के? 10 के. और सो बेचती है 10 पेन ₹15 के. नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है. इधर 5 पेन कम हो गए तो 5 बढ़ गए, बोलो. अब देखो होता क्या है,
पॉइंट ये है, अगर वो 15 पेन ला रही है और 10 पेन बेच रही है, तो ये तो नहीं कि घर में 5 पेन यूज करने पढ़ती लिखती तो है नहीं वो, है ना भाई। तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे तो सुबह दोपहर, सुबह पढ़ाई करोगे, दोपहर में दुकान पे बैठोगे, शाम को फिर दुकान पे बैठ जाओगे, है ना, ये तो करोगे, तब वो 5 पेन आपके यूज भी हो जाएंगे। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट है जो महीने भर में 4-5 पेन खत्म कर डालते हैं? नहीं, कुछ बच्चे हैं जो पापा के पैसा बचाते हैं कि एक पेन को साल भर चलाते हैं। हाँ, रिफिल खत्म कर, इंक खत्म कर दो पेन की। कितने लोग ऐसे हैं? हाँ, अगर दिन भर में आप एक एक पेन यूज खत्म करो तो समझो आप पढ़ाई कर रहे हो, अटेंडेंस हो रही। हाँ, दिन भर में एक एक पेन खत्म करो तो मजा आएगा पढ़ने का। यूज एंड थ्रो वाले पेन लो, या फिर आधी आधी इंक भरो पेन में, जल्दी खत्म हो रहे। तो सुनो, पॉइंट ये होगा कि भाई 15 पेन और 10 पेन, जब तक क्वांटिटी इक्वल नहीं होगी तब तक प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंट नहीं ला सकता। आप 15 पेन लाए, 10 बेचे, गड़बड़ है, 5 पेन क्या किया? तो लॉजिक ये होता है, हमको इनको बराबर करना है, 15-10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना एलसीएम होगा? 30, है ना। इसको 30 बनाओ तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये कितना हो गया? 20, ये हो गया 30। तो अब बाकी सब भूल जाओ, ये हो गई सीपी, हो गई एसपी, समझे बात। आपको इक्वल करना होता है क्वांटिटी। माना आपको दुकान पे गए, बोला पेन कितने के? बोले 15 पेन 10 रुपए के। तो आपको क्या चाहिए? 30 पेन दे दो, तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 20 रुपया। और फिर आपने 10 के हिसाब से, 10 पेन 15 के हिसाब से बेचे, तो आपको कितने पेन? 30 पेन लाए थे, एक मिनट, यहां 45 होगा, 45। अरे समझे भाई, मुझे 3 से गुणा करना पड़ा। अच्छा, अब ये भी नहीं करना है एग्जाम में, आपको करना क्या चाहिए? देखो भाई, एक वर्ड होता है क्रॉस। अब मैं पूरा टॉपिक इस टॉपिक पे ले चलूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो यार, इफ परचेज्ड एंड सोल्ड ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 15 पेन यहां पे लिखोगे आप क्वांटिटी, यहां लिखोगे प्राइस। 15 पेन कितने के लाए? रुपीज 10 के, ये होगी सीपी, सेलिंग प्राइस। 10 पेन कितने के बेचे? आप लोग लिखने की जल्दी में क्यों? क्या मैं रब कर दूंगा क्या? समझो कॉन्सेप्ट को, पूरा टॉपिक चलना इसी पर। अब आगे देखो, सबसे ऊपर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस वाला आर्टिकल, क्वांटिटी लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पर और प्राइस लिखना राइट हैंड साइड पर। जिस दिन प्रैक्टिस जाएगी तो ये सब कुछ लिखना, आपको ध्यान रखना, कॉस्ट ऊपर सेलिंग नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 225। अब सब कुछ भूल जाओ, बस आपका ये काम का, ये सीपी हो गई है 125 अपॉन 100 इंटू 100 प्रॉफिट, 125%। अरे समझे भाई, बी ऑप्शन क्लियर है। जब भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, क्वांटिटी में ऊपर आपको लिखना है सीपी, नीचे लिखना है एसपी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस, कोई एलसीएम का लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, समझे। अब नोट करो, देखो इस क्वेश्चन में जो कॉपीज का नंबर दे रखा है उसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। सत्यम परचेज 500 कॉपीज एट 15 for 20। आपको करना क्या, देखो सीपी एसपी क्वांटिटी प्राइस, ये रूल याद रखना, क्वांटिटी 15 फॉर रुपीज 20 एंड सोल्ड 20 फॉर रुपीज 15। लॉस हो रहा है कंफर्म 400 और 225, लॉस हुआ 175 का आउट ऑफ 400। अपॉन में 4 आना ही आना है, तो ये जाएगा 175 अपॉन 4 और 4 और 3, 3/4, बी ऑप्शन। देखो अब मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, सीधे 25 रुपीज 828 और 10 रुपीज 18 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 280। और इधर कितना होगा? तो प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 170 अपॉन, ठीक है भाई, 7 नीचे आने ही आना है। अच्छा देखो, 7 नीचे आएगा और केवल एक ही जगह 7 है जो प्रॉफिट दे रहा है, सी ऑप्शन। अब पूरा मत करो भाई, 28 में 7 होगा ही होगा और नीचे एक ही जगह 7 प्रॉफिट में आ रहा है, आंसर हो गया सी, लॉस है यार। आप समझो, इतना कॉमन सेंस रखना है आपको, पूरे क्वेश्चन से पहले आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, केस 1,
अच्छा, जब दुकानदार अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचता है, तो अ पर्सन प्रोफेसेस टू सेल आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस बट चीज द कस्टमर बाई 200 ग्राम इन 1 kg, फाइंड इज प्रॉफिट पर्सन। देखो कैसे करेंगे, CPSP मान लेते हैं, वो 1000 ग्राम को लाता है ₹1 की, क्योंकि वो सीपी पर बेच रहा है तो 1 मान लो आप। अच्छा, उसने क्या बोला, प्रोफेसेस टू सेल एट ₹1, उसने बोला कि वो 1 में बेचेगा, लेकिन उसने क्या किया, 800 ग्राम दिया ना 1 रुपए का, वजन में बेमानी कर ली, ये स्टेप काट दो आप। अब बचा आपके पास 1000 ग्राम, वो लाया 1 रुपए में, बेचा 800 ग्राम ₹1 में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर हो गया 800, यहां पर हो गया कितना, ये 800 हो गया इसकी सीपी, और ये क्या हो गया, और आप चाहो तो 2 इक्वल 0 काट दो यहां से। अब आपके पास हो गया सीपी इज इक्वल 8 एंड एसपी इज इक्वल 10, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट 2/8 × 100 और 25%, राइट, दिस इज कंडीशन 1, नोट करना करो। हाँ, नहीं नहीं देखो, आपके पास क्वांटिटी डिफरेंट है ना, प्राइस सेम है, क्वांटिटी सेम करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ अच्छा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, सीपी 8 आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर जो आता है वो आपका क्या होता है, सीपी होती है। दोबारा देख लो, 1000 ग्राम को आप 1 रुपए में लाए, उसने क्या बोला, अ पर्सन प्रोफेसेस टू सेल आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, तो 1000 ग्राम वो देगा 1 रुपए का, लेकिन उसने बेमानी क्या की, 200 ग्राम कम दिया, तो 1000 की जगह 800 ग्राम दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर हो गया 800, इधर हो गया 1000, 2 0 काट दिए, अब 8 रुपए का ऑब्जेक्ट कितने में बिका, 10 रुपीज में, प्रॉफिट 2 रुपए का आएगा। ओके ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडीशन 1 का एक एग्जांपल आप करके दिखाएं सब लोग। देखो, अ क्लॉथ मर्चेंट सेल क्लॉथ एट कॉस्ट प्राइस बट ही मैन्युपुलेट हिज मीटर स्केल बाय 5 सेंटीमीटर इन 1 मीटर, मतलब कि 1 मीटर में 5 सेंटीमीटर कम दे रहा है। जब भी आप पेमानी करोगे तो ज्यादा दोगे नहीं, कमी तो उस केस में देखो, सीपी सेंटीमीटर और मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो माना 100 सेंटीमीटर वो लाया ₹1 का, है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आप 1 रुपए मान लो, 100 मान लो, एक्स मान लो, जो अच्छा लगे वो मान लो, आसान 1 से हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 100 इज ₹1, ये तो होना था, लेकिन हुआ क्या, 95 सेंटीमीटर कितने का बेचा, ये काट लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 95, ये हो गया 100, अब ये हो गया आपकी सीपी और ये हो गया क्या, एसपी, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 रुपीज का, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 5/95 × 100, और जैसे आपको 95 दिखा, अपॉन में 19 आएगा, केवल एक ऑप्शन सी पॉसिबल है, समझे भाई, 19 आना ही आना है, 19 कटना नहीं है तो वो आएगा, एक ही ऑप्शन में 19 है, फिर आपको कुछ आगे कुछ करना ही नहीं है। आ गया, नोट करो, टाइप टू, देखो यार दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, देखो पहली जो टाइप थी उसमें वो ऑब्जेक्ट को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, टाइप टू जो बेमानी होती है उसमें क्या करता है, वो कॉस्ट प्राइस पर नहीं बेचता, कुछ प्रॉफिट लेता है और वजन में बेमानी भी करता है, समझ रहे बात, जैसे माना कि कोई आदमी किसी चीज को 100 रुपए का लाया और उस पर 20% प्रॉफिट ले रहा है और बेमानी कर रहा है, तो ये टाइप टू बेमानी हुई, ठीक है, मतलब जैसे छात्र जीवन में क्या होता है, वो अपना तो पढ़ते नहीं है, टाइप वन बेमानी है, अपना भी दूसरों को नहीं पढ़ने देते और उसको नजर लगा देते, अबे बहुत पढ़ रहा है आजकल बेचारा, उसका भी तबीयत खराब हो जाती है, वायरल हो जाता है उसको, तो पढ़ नहीं पाता वो भी, इसको बोलते टाइप टू बेमानी, खुद ना पढ़ो दूसरों का ना पढ़ने दो। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, देखो चीटिंग इन क्वांटिटी एंड सेलिंग गुड्स एट सम प्रॉफिट, देखो पहला केस में केवल चीटिंग इन क्वांटिटी कर रहा था वो और सेलिंग गुड्स एट सीपी, लेकिन यहां प्रॉफिट ले रहा, कैसे करेंगे एक एग्जांपल देख लेते हैं। शॉपकीपर चीज द कस्टमर बाई 20% एंड मार्क्स एसपी 20% अबव सीपी, फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, सब क्वेश्चन समझ में आया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ये वाला वर्ड नहीं होगा, बोलेगा सेलिंग गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, देखो कैसे करेंगे, सीपी एसपी, और देखो
सब कुछ परसेंटेज में दिया है, तो 100 मान लो, माना 100 रुपीज की चीज वो लाया 100 में, ठीक है। अब बेचेगा कितने में, कितना प्रॉफिट ले रहा है, तो अब 120 में बेचेगा, समझे भाई। ये तो कंडीशन हो गई, तो बेसिक हो गया। अब उसने बेमानी किया कि 20% कम दे रहा है, तो कितना दे रहा है, 80 kg, 80 ग्राम जो भी लिया आपने यूनिट, अरे समझे लॉजिक है। अगर वो बेमानी करेगा तो कम वेट देगा, बेमानी का मतलब ये होता है कम वेट देना, और दिस इज इक्वल टू 120। ये लाइन उसने काट दी, क्योंकि ये तो किया ही नहीं उसने, किया तो एक्चुअल ये ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 8000 और ये कितना हो गया 12000। कितने जीरो कटेंगे इक्वल से, इसका मतलब सीपी हो गई 8 रुपीज, एसपी हो गई 12 रुपीज, प्रॉफिट हो गया 4, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 4/8×100 और 50% आंसर। अरे क्लियर है बात ये, अगर वो बीमारी बोथ साइड करता है तो इसको बोलते हैं बीमारी टाइप 2। हाँ, 1 लेने पे 1.2 हो जाता, 1 भी ले सकते हो, प्रॉफिट हो रहा है ना 20 रुपए का, 20% का, तो 100 लेने पे आसान हो जाएगा ना कैलकुलेशन। सब वो समझ में आई बात, ये आराम से करो। ओके, सॉल्व दिस। इस तरह के मेथड्स के बुक में कई फॉर्मूले दिए हुए हैं, मैं फॉर्मूले पे काम नहीं करता हूं, लॉजिकल करता हूं, एग्जाम में कभी गलती नहीं हो सकती इससे। कौन सा ऑप्शन आया, अभी लिखता हूं। नहीं नहीं मैं फॉर्मूले पे काम नहीं कर रहा हूं, आप समझो मैंने फॉर्मूले नहीं बनाया अभी तक। देखो यार, देखो 10% प्रॉफिट लेता है और 10% बीमारी करता है, तो देखो क्या करेंगे, 100 लीटर माना वो 100 रुपीज का लाता है सीपी, ठीक है, 100 लीटर ही सेल एट रुपीज 110, प्रॉफिट ले रहा है ना 10% का, लेकिन वो दे कितना रहा है। अरे ये पॉइंट समझ में आया आपको, बेमानी करने में यहां कम करेंगे और प्रॉफिट लेने में यहां बढ़ा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 9000 एंड दिस इज 110000, 3 जीरो कैंसिल हो गए, अब 9 रुपीज सीपी हो गई और 11 रुपीज क्या हो गई एसपी, सो प्रॉफिट इज इक्वल 2 रुपीज, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल 2/9×100 और 200/9, 20 whole 2/9%, बी ऑप्शन। सबको क्लियर है बात, नोट करो। टाइप 3, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं होती क्या, देखो एक बात समझना, ये क्या बनाया मैंने, तराजू वेइंग, ठीक है। अच्छा, इस दुकानदार ने क्या किया, यहां पर 200 ग्राम की मैग्नेट लगा दी है ना, अब जब ये सामान खरीदता है तो यहां पर रखता है चीनी का डब्बा और यहां रखता है 1 किलो का बाट। अच्छा, अब ये दिखा कितना रहा है और ले कितना रहा है, ना सोचो, ना 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 ना, वो दिखा 1 किलो रहा है, ले रहा है 1.2 kg, 200 ग्राम ज्यादा ले रहा है, अरे बाट इधर लगा हुआ है ना, देखो ये बीमारी हुई, लेते वक्त भी बीमारी और जब देगा तो देते वक्त क्या करेगा, ये पलट देगा, ये क्या करेगा, इधर रख देगा 1 किलो का बाट और इधर रख देगा शुगर बेचते वक्त। अब ये क्या दिखा रहा है, दिखा 1 किलो रहा है, दे कितना रहा है 800 ग्राम, 200 ग्राम में नीचे वजन लगा हुआ है ना। अरे बस बात समझ में आई, जब कोई व्यक्ति खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी बीमारी करे और प्रॉफिट भी ले, दिस इज कंडीशन थर्ड, समझ में आई बात। अभी आपने देखा सीपी पर बेचना, फिर प्रॉफिट लेते हुए बेचना, जब भी चीटिंग का मतलब बेमानी करना वजन पे, अब वजन पे कैसे कैसे कर सकता है, वो 3 कंडीशन होती है, अरे समझ में बात ये। अब इस पर एक, अच्छा इसका एक शॉर्टकट होता है, ओवरऑल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है x + y + xy / 100,
मतलब कि अगर बोला जाए अ पर्सन परचेज चीज द कस्टमर बाई 10% एंड 20% वाइल सेलिंग एंड परचेजिंग, 10% खरीदते वक्त 20% बेचते वक्त, तो उस केस में एक्स का मान हो गया 10 और वाई का मान हो गया 20, ओवरऑल प्रॉफिट इस फॉर्मूले से निकलता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। अ शॉपकीपर चीज बाई 20% वाइल परचेजिंग 20% वाइल सेलिंग, फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट। तो 20 प्लस 20 प्लस 400 बाई 100, राइट, आंसर इज 44%। अरे समझे बात, जब भी डबल चीटिंग दियो डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहिए। डबल चीटिंग में आपको एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगाएंगे। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है, ध्यान देना सब लोग। वो जो मैंने बताया था ये एग्जांपल, वो आसान था, उसमें एक ही क्वेश्चन बताया था, ऐसे ही आता है बस। अच्छा, इस पर ये समझो कॉन्सेप्ट क्या है। व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंट प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू सीपी, इसका मतलब ये है, मान लेते हैं अ पर्सन परचेजेस एन ऑब्जेक्ट एट रुपीज 80। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को आपने परचेज किया 80 का, व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंट प्रॉफिट, तो मान लिया परसेंट प्रॉफिट भी 80 है। बोला न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंट प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू सीपी, जो सीपी है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, वही प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 80 × 1.8, ये तो होगी 144। अरे समझे बात, अगर मैं कहता हूं ये जो केस है वो ये है, 60 रुपीज आपकी सीपी है और प्रॉफिट भी कितना है 60%, जितना सीपी है उसी का न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितनी होगी 96। समझे। अच्छा, अब कैसे करा जाता है लॉजिक, अब इसका मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, फिर एक शॉर्टकट, फिर एक और शॉर्टकट बताऊंगा। देखो फॉर्मूला देख लो पहले, ध्यान देना सब लोग। लेट सीपी इज इक्वल एक्स, अगर आपके हाथ में दर्द हो रहा हो तो नोट मत करना, क्योंकि इतना काम का नहीं है, है ना, बस समझ लेना। लेट सीपी बी एक्स, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, वो भी एक्स होगा। अच्छा, एसपी कितनी होगी, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, याद है फॉर्मूला ये। तो एसपी मान लेते हम एस, सीपी है एक्स, 100 प्लस एक्स अपॉन 100। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एस दिया होगा आपको, सेलिंग प्राइस दी होगी। अच्छा, इसके बाद आप इस 100 को उधर ले आओ, 100 एस इज इक्वल 100 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स माइनस 100 एस इज इक्वल 0। इस तरह क्वेश्चन में आपको एस देता है हमेशा। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक, ए का मान है 1, बी का मान है 100, सी का मान है माइनस 100 एस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, याद है कुछ, एक अंकल जी थे श्रीधराचार्य, उन्होंने बनाया था फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन, तो ये लगाते फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल माइनस 100 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, 10,000 माइनस प्लस 400 एस, अरे समझे भाई, अपॉन 2, ए का मान 1 है ना। अच्छा, इसके बाद ये हो गया माइनस 100 प्लस माइनस, यहां से कॉमन आ सकता है 400, ये हो गया 400, अंदर बचेगा कितना 25 प्लस एस, और नीचे हो जाएगा 2। अच्छा, ऊपर से 100 प्लस माइनस 400, रूट से बाहर आएगा, बचेगा 20, अंडर रूट 25 प्लस एस अपॉन 2, 2 से कैंसिल कर दो, दिस इज माइनस 50 प्लस माइनस 10 रूट 25 प्लस एस अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो चुका था ना। अच्छा, माइनस छोड़ना पड़ेगा क्योंकि माइनस में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो प्लस लेंगे, ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 25 प्लस एस माइनस 50। ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, इससे सीधे सीधे आपका सीपी आएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि एक वस्तु को जो उसका सीपी था वही उसका प्रॉफिट परसेंट है, उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसकी सेलिंग प्राइस है 119, तो बताओ सीपी क्या, ये फॉर्मूला लगाओगे, एस फॉर सेलिंग प्राइस, डब्ल्यू नहीं 100 है वो, अरे मेरे से धीरे सीख जाओगे, मैं 100 ऐसे रहा था डब्ल्यू की तरह, सेलिंग प्राइस देगा बस, और बोलेगा सीपी बताओ। ठीक है, और कंडीशन वही होगी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सीपी इज इक्वल प्रॉफिट परसेंट। अरे फॉर्मूला मत रटना, मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, वन लाइनर, आप क्वेश्चन पढ़ा आंसर निकालोगे डायरेक्ट, बताऊंगा अभी चीजें, ये जरूरी था, नहीं तो आपको सर आपको पता ही नहीं था, आपने ऐसे समझा दिया, रटा दिया, मैं जरा सब कुछ आता है मुझको, एस 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 25 प्लस एस है,
क्योंकि अगर माइनस कंसिडर करो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और सीपी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर दोनों माइनस ले लोगे तो वो माइनस 50 है, वो माइनस हो गया, गड़बड़ जाएगी ना। अच्छा अब मैंने आपको एग्जांपल बोला था, एक क्वेश्चन देखो, माना कि किसी ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस है 119 और बोला है बताओ सीपी बताओ अगर उसमें प्रॉफिट परसेंट न्यूमेरिकल वैल्यू सीपी के बराबर है। तो देखो क्या करेंगे, एक्स बराबर 10 अंडर रूट 25 प्लस 119, एक्स का मान कितना होगा 119 और माइनस 50 बट और ये कितना हो गया 10, ये कितना हो जाएगा 144 माइनस 50, ये हो गया 12, 120 माइनस 50 कितना हो गया 70। अब चेक कर लो, सीपी 70 हो और प्रॉफिट परसेंट 70 हो तो कितना आएगा 119 आएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, नोट हो गया, ये नहीं करो, कर रहे तो करो जल्दी से, नोट हो गया भाई। देखो यार क्वेश्चन ऐसा आएगा, इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सीपी, फाइंड सेलिंग प्राइस इफ सीपी इज 75। देखो कैसे करेंगे, मेथड ए बी सी डी 40, 30, 50, 60। देखो पहला मेथड मैंने बताया था, सेलिंग सीपी बराबर 10 अंडर रूट 25 प्लस एस माइनस 50, बताया था 10, अभी सॉल्व कर लेना। अच्छा सेकंड मेथड देखो, सबसे आसान मेथड, देखो यार इस 75 के दो फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 10 हो, 15 और 5 दो फैक्टर बन रहे हैं, तो जो छोटा फैक्टर होता है उसमें 10 से गुणा कर दो, आपका आंसर होगा, ये लॉजिक होता है। चाहे कितनी बड़ा नंबर हो, जो संख्या दी है उसके ऐसे फैक्टर को जिनका की अंतर 10 आए, है ना, और उसके बाद जो छोटा वाला वैल्यू होता है उसमें 10 से गुणा कर दो, आपका आंसर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड मेथड, कुछ नहीं करना होता, ऑप्शन पर आ जाओ, 40 का 40% कितना होगा 16, ये हो गया 56, हमारा 75 है, 30 का 30% कितना होगा 39, नहीं हो सकता, 50 का 50% 25, यस दिस इज आंसर, नहीं समझे, करना यही है एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आता है, बोला है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल सीपी एंड इफ एसपी फाइंड सीपी इफ एसपी इज दिस, आपको सीपी पूछा है और सीपी में क्या दिया हुआ है वो प्रॉफिट परसेंट के बराबर है, तो जो जो ऑप्शन दिए उन्हीं से स्टार्ट करोगे, 40 का 40% 16, 40 प्लस 16 कितना हुआ 56, नहीं हो सकता, हमें 75 करना है, 30 का 30% 9, नहीं हो सकता, 50 का 50% 25, ये पॉसिबल है, अरे समझ नहीं बात, आंसर क्या हो गया, आपको करना ये थर्ड मेथड ही है बस, समझे, ऑप्शन देखना है और सॉल्व करना है बस। ये तो हो गया प्रॉफिट वाला केस, अब बता रहा हूं लॉस वाला केस, सेवेंटी फाइव आपकी विक्रय मूल्य है, कहां पर ये वाला, ये सेकंड मेथड, हाँ ऐसे 75 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढो जिनका अंतर 10 हो, 15 5 जब जो छोटा वैल्यू होती है उसमें 10 से गुणा कर दो, आपका सीपी आ जाएगी, जैसे मान लेते हैं 119 है, ये हो गया 17 × 7, है ना, तो 7 वाले के 10 से गुणा कर दो, 70 आंसर हो गया। वैसे सबसे अच्छा तरीका इसका यही होता है ऑप्शन बेस्ड, अरे समझ नहीं बात, रब कर दूं, चलो अब एक लॉजिक समझो, व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लॉस परसेंट इक्वल सीपी, अभी मैंने आपको प्रॉफिट सिखाया, अब लॉस देख लो, तो इसमें दो चीज याद रखनी है हमेशा, नंबर वन, देयर आर ऑलवेज टू सीपी पॉसिबल एंड सेकेंड, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज लेस देन 25। हमने ध्यान रखना, अगर आपका लॉस परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू सीपी के बराबर है तो
इस केस में हमेशा दो सीपी आती है, है ना। इसका फॉर्मूला ड्राइव करूं ना करूं, सीधे शॉर्टकट पे आऊं ना। हाँ शॉर्टकट देखो, क्वेश्चन होगा इफ लॉस परसेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सीपी, देन कैलकुलेट सीपी इफ सेलिंग प्राइस इज 24। देखो यार सिंपल सी बात है, आप ये समझ लो दो आंसर आएंगे। अच्छा एंड देर आर ऑलवेज टू सीपी पॉसिबल एंड देयर सम इज 100। बस ये लाइन काम की है, इस जब भी लॉस हो रहा हो और सीपी का मान लॉस के बराबर हो, ऑलवेज टू सीपी इज पॉसिबल, दोनों का सम क्या होगा 100 होगा। तो देखो कैसे करेंगे, ए बी सी डी 90 60 40 बी एंड सी बोथ, समझ गए, दो आंसर आएंगे, तो आंसर क्या हो गया डी हो गया। दो आंसर होने चाहिए इसके, लॉस वाले केस में दो आंसर होते हैं। चेक कर लेते हैं 60 का 60% क्या होगा, लॉस हो रहा है ना, 60 सीपी हुई आपकी, लॉस हो रहा है 60% का, 24 आ गया। 40 का 40% कितना होगा, 16 आ गया, तो 24 आंसर क्या हो गया बी और सी। अरे समझे, ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है ए बी सी डी 10 90 40 60 30 70, ऐसे भी हो सकता है ऑप्शन में। तो आप एक ऑप्शन चेक कर लो, 90 का 90% 81, 9 रुपए आएगा यहां से, ये ऑप्शन नहीं हो सकता भाई। अगर आपकी 90 सीपी है और 90% लॉस हो रहा है तो 81 रुपए लॉस हो रहा है, 90 माइनस 81 कितना होगा 9 रुपया, उस केस में सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 9 रुपया। अच्छा 10 रुपए ले लो, 10 का 10% 1 रुपया, 10 माइनस 1 9 रुपया, दोनों केस से 9 आ रही ना सीपी। अच्छा 40 60 से आंसर आ जाएगा आपको 24, 30 70 से क्या आएगा, 30 का 30% कितना होगा 9 रुपया, 21 आएगी, 40 या 24। देखो हर सी एसपी हमेशा 25 से लेस आती है, अच्छा नहीं बात। अब कुछ एग्जांपल करते हैं इस पर बेस। हाँ हाँ सेलिंग प्राइस हमेशा 25 से कम होगी और सीपी भी 100 से कम होगी और वो दोनों का सम 100 होगा। हाँ दोनों का सम 100 होगा और अगर 100 से ज्यादा होगी सीपी, सोच लो जरा, अगर 200 रुपए सीपी हुई तो 200% लॉस, मतलब जेब से दोगे पैसा आप, 100 से कमी होगी सीपी हमेशा। हाँ अच्छा अब एक और वो तरीका एक और है, माना 24 है, इसके दो फैक्टर को जिनका डिफरेंस 2 हो 6 और 4, और इसमें 10 गुणा कर दो 60 और 40, आंसर एक तरीका ये भी है, समझे। आपको ध्यान केवल शॉर्टकट में वो रखना है ऑप्शन बेस्ड। चलो एक मिनट, अब आते हैं शॉर्टकट जो मैंने बताया था वो लिखवा देता हूं शॉर्टकट। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पढ़ाया था अभी मैं, प्रूफ कहते ना। अब ये लॉस वाला फॉर्मूला प्लस माइनस दोनों लेते हैं, इसमें 25 माइनस एसपी होता है और प्लस माइनस दोनों लेते हैं, दो आंसर आते हैं हमेशा। ये नोट करो, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। कंफर्म है डबल आंसर आने हैं तो डी आंसर हो सकता है, बस कुछ करा नहीं जाता क्वेश्चंस में, केवल पढ़ा जाता है। सेलिंग प्राइस है 96, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया हुआ है 60 का, देखो 60 का 60% 36, 96, यस दिस इज द आंसर। ऑप्शन से करना है इसको, फॉर्मूले वाले भूल जाओगे आप, लॉजिक नहीं भूल सकते आप ऑप्शन से करोगे इन क्वेश्चंस को। अरे समझ नहीं बात, आगे बढ़े चलो। हाँ नेक्स्ट टाइप बताते हैं, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कुछ एग्जाम्पल से करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में डिस्कस कर चुका हूं ना। देखो प्राइस ऑफ बनाना इज इंक्रीज बाय 10%, अ पर्सन कैन परचेज 2 dozen बनाना लेस इन रुपीज 440। देखो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है 10%,
अमाउंट है 440 और कितना बनाना है, कम ला रहे हो आप, 2 dozen, तो लॉजिक होता है 10% ऑफ 440 इज इक्वल न्यू प्राइस ऑफ 2 dozen बनाना, ये तो बताया था लॉजिक, तो ये जाएगा 44 इज इक्वल न्यू प्राइस ऑफ 2 dozen बनाना, तो 1 dozen के पूछा ना कितना होगा आंसर, ये सेम कॉन्सेप्ट मैं परसेंटेज में डिस्कस कर चुका हूं, जब भी कम ज्यादा हो तो जितना परसेंट कम ज्यादा हो उतना अमाउंट पे लगाकर इक्वल में जितनी क्वांटिटी आप कम या ज्यादा ला रहे हो बराबर कर देते हैं उसके। ओके सॉल्व दिस टाइप 8 का एग्जांपल, देखो ध्यान, ओल्ड प्राइस पूछा हुआ है, इससे आपकी न्यू प्राइस आएगी, फिर आपको ओल्ड निकालनी पड़ेगी। देखो यार, अ पर्सन कैन बाय 5 kg शुगर मोर इन रुपीज 500, देखो 20% रिड्यूस होने से 20% ऑफ 500 इज इक्वल न्यू प्राइस ऑफ 5 kg, तो यहां से कितना हो जाएगा 100 rupees, दिस इज न्यू प्राइस ऑफ 5 kg, तो न्यू प्राइस ऑफ 1 kg कितना हो गया इज इक्वल 20। ओके नाउ लेट ओल्ड प्राइस बी एक्स, और कितना डाउन हुआ है इनटू 0.8 इज इक्वल 20, राइट भाई आपका डाउन कितना हो 20% डाउन हुआ ना, तो 0.8 20% डिक्रीज करना, 100 माइनस 20 याद है रूल, 100 माइनस 20 करेंगे 80 होगा, दो डेसिमल लगाएंगे, x इंटू 0.8 इज इक्वल 20, x इज इक्वल 20 बाई 0.8, आंसर 25 बी ऑप्शन, क्लियर है। आपको ये भी ध्यान रखना कि ओल्ड पूछा है न्यू पूछा है, इस केस में न्यू पूछा हुआ था। हो गया, अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, व्हेन सीपी ऑफ सम आर्टिकल इक्वल एसपी, बहुत आसान सा लॉजिक ध्यान देना, कुछ एग्जांपल करता हूं। देखो अ शॉपकीपर सोल्ड 18 आर्टिकल ऑन द प्राइस ऑन विच ही परचेज 25 आर्टिकल, देखो परचेज वाला हिस्सा ये है और सेल वाला हिस्सा ये है, बोला है जितने आइटम 18 में उसने बेचे, जितना प्राइस उसको 18 से मिला उतने की सीपी 25 के बराबर थी, समझाया, एक दुकानदार जिस मूल्य पर 25 वस्तु खरीदता है उतने में वो 18 बेचता है, अच्छा बताओ प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है भाई, जितना 25 में 25 ऑब्जेक्ट उसने खरीदे, जितना खर्चा वहां किया 18 में उसकी लागत आ गई, अब बाकी 7 में उसको प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ अब नहीं सुनो, ऐसे करेंगे सीपी ऑफ 25 इज इक्वल मान लेते हैं 1 रुपया, तो एसपी ऑफ 18, देखो लॉजिकल समझना, 1 रुपया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो बचता है ये सब हमारे यूजलेस हो जाता है, बस बचा ये सीपी हो गई, ये एसपी हो गई, समझे भाई, आप रटना नहीं चीजों को, समझना कि 25 रुपए में आप माना 25 ऑब्जेक्ट 1 रुपए में खरीदते हो और 18 ऑब्जेक्ट 1 में बेचते हो, आप एक लो एक्स लो 100 लो फर्क नहीं पड़ता, आंसर जल्दी आना चाहिए आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 18 क्या हो गई सीपी और 25 क्या हो गया सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 7/18 × 100, लॉजिक ये कहता है अपॉन में 9 रहेगा, 3 ऑप्शन में 9 है, सी नहीं हो सकता है ना, ये कितना हो गया 350/9, 9 2 जा होगा और 9 3 जा और 30, अच्छा 8 है, देखो 3 और कितना बचेगा 8 होल 8/9 बी ऑप्शन, अरे समझ में आया बात, ये तो केवल ऑप्शन बेस्ड होता है, लॉजिकल होता है, इसमें आपको ज्यादा कोई रटना वटना नहीं है, फॉर्मुले वगैरह इसके वजह फॉर्मुले होते हैं, मैं कोई फॉर्मुले विश्वास नहीं करता इन क्वेश्चंस के लिए। चलो सॉल्व दिस, नहीं ये बताओ प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, दोनों में बचे बचे, इकबाल सोल्ड सम एक्स इन सच ए वे दैट सीपी ऑफ 60x, देखो सीपी ऑफ 60x इक्वल एसपी ऑफ 80x, मतलब लॉस हो रहा है, तो क्या करेंगे आप सीपी ऑफ 80 बराबर मान लो आप 1 रुपया, सेलिंग प्राइस ऑफ
नहीं, सीपीएफ 60 है, सेलिंग प्राइस ऑफ 80, एक रुपया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 80 ऊपर आ गया सीपी और 60 क्या हो गया सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट 20 रुपीज, सॉरी लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट इज इक्वल 20 बाई 80 इंटू 100, 25% लॉस, समझे? सबको क्लियर है? देखो ये तो आसान आसान चीजें हैं, बस जल्दी खत्म करना है, एग्जाम में जरूर मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, आगे बढ़ जाएं, नोट कर लो। अभी एक, अभी आपके बचे हैं टोटल 8 कॉन्सेप्ट और बचे हैं टाइप्स, अभी तो डिस्काउंट बचा है पूरा पूरा, अभी तो प्रॉफिट लॉस ही चल रहा है, एक क्लास हो जाएगी कॉन्सेप्ट में, या दो भी जा सकती है, कि डिस्काउंट में टाइम लगता है। अच्छा देखो लॉजिकल है, व्हेन सीपी एंड एसपी आर इंक्रीज और डिक्रीज, इस तरह क्वेश्चन करने का पूरा मेथड समझना आप लोग। देखो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, अ पर्सन सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, इफ ही परचेजेस गुड एट 10% लेस एंड सोल्ड एट 8% लेस, ही वुड गेट 20% प्रॉफिट, फाइंड सीपी ऑफ गुड्स। आप ट्राई करो फिर मैं मेथड समझाऊंगा इसका। अ पर्सन सेल्स इज गुड एट 10% प्रॉफिट, इफ ही परचेजेस गुड्स एट 10% लेस एंड सोल्ड एट 8% लेस, रुपीज 8 लेस, ही वुड गेट 20%, फाइंड सीपी ऑफ द गुड्स। देखो दो तरीके, पहला तरीका सीपी प्रॉफिट लॉस एसपी, मान लेते पहले इसकी जो सीपी थी एक्स रही हो, पहले प्रॉफिट कितना है 10%, है ना, तो कितने की सेलिंग प्राइस हुई 1.1x होगा। दो तरीके बताऊंगा जो अच्छा लगे वो करना। अच्छा सेकंड कंडीशन में, इफ ही परचेज ए गुड एट 10% लेस, मतलब 0.9x का परचेज किया इसने, 10% लेस मतलब 100 से 10 घटाओ 90 और दो डेसिमल लगा दो 0.9x, समझ लो बात ये। अच्छा एंड सेल इट 8 लेस मतलब 1.1x माइनस 8, तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। अब ध्यान देना स्टेप, ये सीपी 0.9x 20% प्रॉफिट का मल्टीप्लायर होगा 1.2 बराबर 1.1x माइनस 8, अरे समझे बोलो, 12 9 कितना होता है 108, ये हो गया 1.08x इज इक्वल 1.1x माइनस 8, 8 इधर लाओ इसको इधर ले जाओ, 8 इज इक्वल 1.1x माइनस 1.08x कितना हो जाएगा 0.03, हाँ? ये 1.1 है ना, हाँ सर 0.02x, तो x कितना हो जाएगा यहां से 8/0.02 या 400, अरे समझ नहीं बात, कभी गलती नहीं होगी, लॉजिकल है, बस आपको स्टेप समझने क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसके फॉर्मूले बहुत बड़े बड़े हैं, मैं फॉर्मूले पे कभी काम नहीं, लॉजिकल देखो मैंने क्या क्या किया, दोबारा बता रहा हूं देख लो जरा, हाँ टेंशन लेता है। देखो भाई ध्यान देना, सीपी प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, मान लेते सीपी एक्स है ना, अच्छा प्रॉफिट कितना है 10%, 10% प्रॉफिट का मल्टीप्लायर कितना होगा 1.1x, याद है शुरुआत मैंने यहीं से की थी, प्रॉफिट मल्टीप्लायर क्या होता है 100 + 10 110 और दो डेसिमल लगा दो। अच्छा अब उसने बोला है कि इसने ये जो ऑब्जेक्ट था ही परचेजेस इट 10% लेस, मतलब कि 0.9 का खरीदा, अरे ये बात समझ में आई, और कितना सस्ता बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ 20%, इस 20% प्रॉफिट का मल्टीप्लायर कितना होगा, तो 0.9x into 1.2x बराबर 1.1x माइनस, ये तो सीपी, ये एसपी हो गई, ये भी एसपी है, दोनों एसपी इक्वेट कर दी मैंने। अच्छा यहां से आ गया 1.1x माइनस 1.08x इज इक्वल 8, 0.02x इज इक्वल 8, x आ गया कितना 400, अरे समझे भाई। अब इसका शॉर्टकट भी पहले नोट कर लो, ध्यान देना शॉर्टकट बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, मैं कैसे करता है एग्जाम में, और यही आपको सीखना है एग्जाम में, ये सब भी नहीं करना होता है। हाँ नहीं बन पा रही मेरी, नहीं हो रही, हो गया ओके, देखो चलो शॉर्ट कर, देखो इसका नोट करना है इसको, ना ना 100 पे करने पे तो आगे फंस सकते हो, अब एग्जाम में दिमाग नहीं चल पाएगा इतना। हाँ आप अच्छा जो अच्छा लगे आप अगला मतलब वो तुम्हें अच्छा लगेगा, कुछ नहीं था कि आप कोई सामान लाते हो अगली बार सस्ता ले आए, आप सस्ता देखो ना 8% लेस पे लेके आए,
तो आपने 8 रुपए कम पे बेचा, तब भी प्रॉफिट हो रहा है आपको। भाई कोई चीज सस्ती मिलेगी तो आप सस्ता बेचोगे। भाई देखो ठेला लगाओ खीरे का, अभी खीरा महंगा है, कल सस्ता हो गया तो सस्ता बेचना, तो वही लॉजिक है, प्रॉफिट तब भी होगा। चलो भाई अब इसका शॉर्टकट देखो। हाँ नहीं जरूरी नहीं, कई कई कंडीशन होती है, देखो ध्यान देना। ये जो मेथड होता है ये केवल ऑप्शन मेथड होता है। देखो 200 हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, 200, 320, 400, 450, सबसे आसान ऑप्शन ये है और ये है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। अगर ये सीपी होती पहले प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 220 इसकी सेलिंग प्राइस होगी। बोलो अच्छा अब आपको कितनी सस्ती मिली है, 20%, 200 का 20% कितना होगा 40, तो 160 की मिली। देखो सब चीज दिमाग में रखना है क्या हुआ था। अच्छा और मुझे अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% 10%, 180 की मिली। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% 180 का 20% 36, मैंने कैसे निकाला होगा 18, 180 का 20% 18 दूनी 36, 36 बस डायरेक्ट निकालता हूं, प्लस 36 करो 216, कितना यहां पे 8 घटाओ क्या 216 आ रहा है, 212 आ रहा है, मतलब कि ये नहीं ले सकते आप 400 लेके चलो आंसर आ जाएगा 400 से। अरे समझे, आप क्वेश्चन पढ़ लो, दिमाग लगा लो क्या क्या है। देखो मैं कैसे करूंगा ऑप्शन के हिसाब से, फोर पहली बार मुझे 10% प्रॉफिट हो रहा है, 400, 440 समझे, इतने का बिका होगा पहले मेरा। अच्छा उसके बाद मुझे 10% लेस आई, 400 का 10% लेस 360 की आई, और मुझे यहां पे माइनस 8 कर दो कितना होगा 432, इसका 20% कितना होगा 72, 36 गुना 2। भाई देखो ये चीज आपको ये नहीं करना है एग्जाम में, और इसको कर डालो प्रैक्टिस, 2 जीरो कट जाएंगे। अगर आपको जैसे माना 5, अब ध्यान देना 540 का आपको 20% निकालना है कितना होगा 108, क्योंकि 54 का 2 गुना कर दो, ये चीज ध्यान रखनी है। तो 360 का 20% 72, 432, यस दिस इज द आंसर, ये आसान है ना, इस लॉजिक को प्रिपेयर करो, आपके पास दिमाग में फिगर होनी चाहिए। 10% प्रॉफिट लिया पहले, फिर 10% लेस पे खरीदा, 20% प्रॉफिट लिया और 8 रुपए कम लगे, ये चारों चीज दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीजों के लिए आपको खुद समझ लो कि उस दुकान में बैठ के काम कर रहे हो, एक ठेला लगा लो सब सीख जाओगे। ओके भाई आई बात समझ में, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते कितने लोग समझ पाए इस बात को। ओरल करने की कोशिश करना, कोई फॉर्मुला नहीं केवल ऑप्शन से, सबसे आसान ऑप्शन 400-500 वाले इनसे स्टार्ट करो। देखो यार मेथड वन, मैं आपको पहले मेथड टू बता रहा हूं, ठीक है, शॉर्टकट वाला। दो ऑप्शन है 400 और 500, तो मैं 500 से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो सीपी हो गई आपकी 500 और लॉस परसेंट कितना है 20% नहीं 5%, 500 5% 25। देखो यार अगर लॉस परसेंट 5% है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, देखो 500 का 5% 25, देखो ध्यान रखो 5 5 25 करो, 25 घटा दो 475। अच्छा एंड सोल्ड इट फॉर 115 लेस, इसको 115 लेस कर दो कितना होगा, ठीक है। अच्छा एंड इफ यू बॉट इट 20% मोर, इसका 20% होगा 600, भाई 20% 100 रुपए होगा, 600 की लाया। अच्छा 600 का 40% कितना होगा 240 आ रहा है, यस दिस इज आंसर। अरे समझे, देखो आसान से स्टार्ट करो क्योंकि बाकी ऑप्शन बहुत टफ है, 5 480 360 टफ है, ये आसान था, इससे आंसर मिल भी गया हमारा। बस एक लाइन ये गड़बड़ है, वुड हैव इंक्रीज वर्ड, ये गलत है, इंक्रीज नहीं होना चाहिए था, वुड बी ही वुड हैव अ लॉस ऑफ 40%, समझे भाई। अब इसका मेथड वन देख लो, ये बात समझ में आई सबको, ये प्रैक्टिस आएगा, जितने 10-12 क्वेश्चन आप कर लोगे तो जल्दी क्वेश्चन हुआ करेंगे। जब आप एग्जाम्पल घर जाके करोगे, बुक को छानोगे, छानोगे मतलब छाटोगे, क्वेश्चन ढूंढोगे, तब जाके मजा आएगा इन क्वेश्चन करने में। और एक कर डालना प्रैक्टिस, एक दो क्वेश्चन कुछ नहीं होता इन क्वेश्चन में। ओके इसका मेथड देख लो वन, देखो यार
मान लेते हैं सीपी एक्स है, लॉस परसेंट कितना है 5%, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 0.95x, राइट। अब आपने उसको 20% मोर मतलब 1.2x में खरीदा और 0.95x माइनस 115 में बेचा, आपको लॉस हो रहा है कितना 40% का, तो 40% लॉस मतलब 0.6 से मल्टीप्लाई इज इक्वल 0.95x माइनस 115। अरे समझ आई बात, 0.72x इज इक्वल 0.95x माइनस 115, सो 0.23x इज इक्वल 115, x वुड बी 500, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग।